हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ सिन्हा और ये जो वीडियो आपका जेआईबी का प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ बैंकिंग का यूनिट नंबर 3 है, कैपिटल बजटिंग पढ़ रहे हैं। कैपिटल बजटिंग का ऐसे कई वीडियोस है, ये पार्ट 1 है, ठीक है। और प्रॉपर अगर आप जेआईबी का वीडियो कोर्स करना चाहते हो तो मेरा फोन नंबर दिया 4 9 6 8 5 1 2 7 पे फोन करके इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है मनी। मनी से क्या समझ में आता है, मनी क्यों इंपॉर्टेंट है? मनी से कुछ भी एक्सचेंज कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे ये पेन खरीदना है तो इसका मार्केट में कुछ प्राइस होगा, वैल्यू होगा। प्राइस का मतलब वैल्यू होगा, 20 रुपए 25 रुपए, तो आप पैसा पे करेंगे आपको सामान मिल जाएगा। तो एक चीज तो हो गया कि ये एक्सचेंज का कोई सिस्टम है, यानी एक्सचेंज कर सकते हैं आप इसे, ठीक है। एक्सचेंज कर सकते हैं क्या, वैल्यू को, ठीक है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, कोई पेन है उसका 20 रुपए दाम है तो 20 रुपए करेंगे आपको पेन मिल जाएगा। अगर कोई कार है, मान लेते हैं कार 4,50,000 रुपए का कार है, इतना पे करेंगे कार मिल जाएगा। तो कुछ एक्सचेंज का हम सिस्टम बना लिए। दूसरा चीज क्या होता है मनी में, सबसे बड़ी खास बात होती है टाइम वैल्यू, ठीक है। मनी का सबसे बड़ा क्या होता है, टाइम वैल्यू होता है। एग्जाम्पल बात करते हैं कुछ टाइम वैल्यू ऑफ मनी का, ठीक है। तो हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं, मैं एक बताया आपको एग्जाम्पल पेन का ले लेते हैं, ठीक है। कलम, पेन, ये कलम है। टाइम वैल्यू कैसे समझेंगे, 2018 था, फिर 2019 आया, फिर 2020 आ गया, ये हर साल आ रहा है। 2018 में इसी पेन का दाम यहाँ पे 18 रुपए था, 2019 में इसी पेन का दाम 19 रुपए था, 2020 में इसी पेन का दाम 20 रुपए हो गया। क्या समझ में आ रहा है, हर साल पेन का दाम बढ़ते गया। यहां पे गए तो हमको 1 रुपया बढ़ गया और यहां पे गए तो फिर से 1 रुपया बढ़ गया ना। यानी इसी पेन को खरीदने के लिए पहले मैं 18 रुपए देना पड़ता था 2018 में, बढ़ के 1 रुपया और बढ़ के 19 हो गया, आगे बढ़ के 20 हो गया। तो इसका मतलब है कि टाइम के साथ पैसा का वैल्यू डेप्रिशिएट होता था। एक पॉइंट और लिख लीजिए, विथ टाइम मनी वैल्यू गेट्स डेप्रिशिएटेड, मनी वैल्यू गेट्स डेप्रिशिएटेड, घटते जाता है। क्लियर हो गया बात, इस पॉइंट को प्लीज याद रखिएगा, मनी वैल्यू समय के साथ डेप्रिशिएट होता है। चलिए अब यहाँ पे डिस्काउंटिंग टेक्निक्स होती है। अब हम लोग क्या करते हैं ना, इस कैपिटल बजटिंग का मतलब है कि आप लंबा प्रोजेक्ट होता है उसको पैसा हम लोग देते हैं। पहले समझिए कैपिटल का मतलब क्या है। कैपिटल का मतलब है आप इन्वेस्टमेंट करवा रहे हो मोर देन 1 ईयर, इन्वेस्टमेंट फॉर मोर देन 1 ईयर, यानी 1 साल से ज्यादा समय के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट कराते हैं तो उसकी हम बात कर रहे हैं। इट इज नोन एज कैपिटल बजटिंग, कैपिटल बजटिंग का मतलब बजट बनाना, कितना पैसा में अलोकेट करेंगे, ठीक है। तो दो मेन तरीका होता है जिससे कि हम लोग इन्वेस्टमेंट को अप्रेजल करते हैं। जैसे मान लीजिए बैंक में कोई आदमी लोन लेने आएगा तो आप लोन दोगे या नहीं दोगे, खास करके मान लीजिए इसको 100 करोड़ रुपए का लोन चाहिए, कितने चाहिए 100 करोड़। तो भाई कुछ तरीका होता है उसको, भाई अगर हम 100 करोड़ रुपए का लोन दे रहे थे, जो भी काम के लिए आपको लोन चाहिए या जो फैक्ट्री खोल रहे हैं, क्या उससे इतना कमाई होगा कि आप मेरा लोन भी भर पाएंगे और आपका भी फैक्ट्री चल पाएगा, ये सब चीज देखा जाता है। डेट इज नोन एज कैपिटल बजटिंग, ठीक है। तो दो मेन डिस्काउंटिंग टेक्निक्स होती हैं जहां पे हम इन्वेस्टमेंट ऑफ, जहां पे हम लोग अप्रेजल को देखते हैं, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल को देखते हैं। पॉइंट नंबर 2 बना लीजिए, 2 मेन डिस्काउंटिंग टेक्निक्स, क्या होता है, 2 मेन डिस्काउंटिंग टेक्निक्स होते हैं ऑफ इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। जब भी आप इन्वेस्टमेंट को अप्रेजल करते हैं यानी लोन को देखते हैं, 2 मेन डिस्काउंटिंग टेक्निक होता है जब भी आप इन्वेस्टमेंट अप्रेजल की बात होगी। तो 2 कौन सा है, एक का नाम है एनपीवी, दूसरा का नाम है आईआरआर, ठीक है। क्या नाम है, एक का नाम हो गया एनपीवी, दूसरा का नाम हो गया आईआरआर। एनपीवी क्या होता है, नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या है उसका भी। दूसरा हो जाएगा आयर का इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, इंटरनल
रेट ऑफ रिटर्न हो जाएगा IRR, ठीक है। हम लोग बात करेंगे एनपीवी भाई, एनपीवी से क्या समझ में आता है, एनपीवी मेथड से आपको। तो एनपीवी मेथड ये बताता है कि अब हम कंपेयर करते हैं कि अगर हम इस आदमी को लोन दे रहे हैं या इस आदमी को लोन मान लीजिए चाहे इस प्रोजेक्ट में हम पैसा लगा रहे हैं, समझिए लोन हटाइए, लोन लोन क्या होता है, पैसा ही लगाना होता है ना, कोई प्रोजेक्ट को पैसा लगा रहे हो आप, ठीक है, पता चला कि 5 साल के बाद वो कंपनी पैसा जनरेट करके आपको देगी, कुछ प्रोडक्शन करेगी, तो समय लगता है ना, फैक्ट्री बनाओगे, जमीन खरीदोगे, बनाओगे, मशीन लगाओगे, आदमी हायर करोगे, उसके बाद वो पानी का बिल, सॉरी पानी की कनेक्शन, बिजली की कनेक्शन, ये सब लेना पड़ता है, लाइसेंसिंग, बहुत सारा चीज है। तो वो सब करने के बाद मानिए 5 साल लग गया, 5 साल के बाद आपको प्रोडक्शन चालू हो गया, 5 साल प्रोडक्शन चालू हो गई, बात समझिएगा इसको। तो 5 साल बाद प्रोडक्शन चालू हो गई है तो अब हमें ये देखना है कि प्रेजेंटली एट द मोमेंट अभी आपको क्या कमाई होगा, एट द मोमेंट अभी आपको जो पैसा है आपके हाथ उसकी क्या वैल्यू होगी, और फ्यूचर में हमें जो कमा के देगा उसकी क्या वैल्यू होगी। एट द मोमेंट अभी जो पैसा है हमारे हाथ उसकी क्या वैल्यू होगी, और फ्यूचर में वही पैसा क्या वैल्यू, हम लोग कंपेयर करते हैं प्रेजेंट वैल्यू कैश फ्लो का और फ्यूचर वैल्यू ऑफ कैश फ्लो के साथ, ठीक है, ताकि हम पता कर सके कि वो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है या नहीं जहां हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है। एनपीवी की मेथड से आपको हेल्प होता है डिटरमाइन करने में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी में आपको सरप्लस मिल रहा है कि नहीं, ठीक है, जिसको कि हम मेजर करेंगे सब कुछ प्रेजेंट वैल्यू के टर्म्स में, बेसिकली वो फ्यूचर वैल्यू में जो भी पैसा है उसको हम कन्वर्ट करेंगे प्रेजेंट वैल्यू के टर्म में, फिर कंपेयर करके देखते हैं भाई पैसा कहां में ज्यादा बन रहा है, ठीक है। तो आइए एनपीवी मेथड लिख लीजिए इसको, कैसे हम लोग काम करते हैं इसमें। तो पहला हो गया आपका एनपीवी मेथड, तो इसमें आप लिख सकते हैं कि इन्वॉल्व्स कंपेयरिंग, ठीक है, कंपेयरिंग द प्रेजेंट वैल्यू, इन्वॉल्व्स कंपेयरिंग द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर कैश फ्लो, ऑफ द फ्यूचर कैश फ्लोज of an investment, of an investment opportunity which is required, ठीक है, which is required to frame the opportunity, to frame the opportunity, ठीक है, in this way NPV method helps in determining the investment opportunity इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, ठीक है, और हमें यहां देखना है कि प्रोवाइड सरप्लस करता है कि नहीं, प्रोवाइड सरप्लस व्हेन कैश फ्लो इज मेजर्ड इन प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स, इज मेजर्ड इन प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स। तो देखिए यहां हम लोग क्या कर रहे थे, कंपेयर कर रहे थे किसके साथ, प्रेजेंट वैल्यू जो फ्यूचर कैश फ्लो का होगा किसी इन्वेस्टमेंट को करने के लिए, वहां पर क्या इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, वहां पर हम कंपेयर कर रहे थे प्रेजेंट वैल्यू जो फ्यूचर कैश फ्लो का होगा, ठीक है, और ये जरूरी होता है ताकि आप अपॉर्चुनिटी को देख सकें या फ्रेम कर सके। इस तरीके से जो एनपीवी मेथड है आपको हेल्प करता है डिटरमाइन करने में कि ये आपके लिए इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है या नहीं, ठीक है। कैसे होगा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, अगर आपको ये प्रोवाइड करके दिखाता है सरप्लस, यानी ज्यादा पैसा बन रहा है आपको, सरप्लस बन रहा है, तो ठीक है, जहां पे कैश फ्लो को मेजर किया जाता है प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स, जहां पे क्या होता है कैश फ्लो क्या करता है, मेजर करते हैं प्रेजेंट वैल्यू की टर्म्स में, ठीक है। इस पॉइंट को सारा आप लिखते चलिए,
फिर अगर एनपीवी नेगेटिव हो गया तो क्या करेंगे, अब इसी में देखिए, अगर एनपीवी क्या हो गया नेगेटिव है, यानी एनपीवी अगर आपका नेगेटिव हो गया तो प्रोजेक्ट को नहीं लेना है, प्रोजेक्ट को नहीं कंसिडर करेंगे। क्यों? क्योंकि उस प्रोजेक्ट में सरप्लस की कमी है, सरप्लस नहीं है, और जो शेयर होल्डर है जो पैसा लगाया हुआ लोगों ने उनकी वेल्थ कम हो जाएगी। तो एनपीवी अगर अगर आपका नेगेटिव आ रहा है, ठीक है, तो इस केस में प्रोजेक्ट नॉट टू बी टेकन, ठीक है, प्रोजेक्ट आप नहीं देंगे, ठीक है, बिकॉज कारण भी जान लेते हैं क्यों, तो सरप्लस तो बन नहीं रहा है, बिकॉज यहां पे आपको डेफिसिट हो रहा है, क्या पैसे की कमी हो रही है, डेफिसिट हो रहा है, ठीक है, एंड विल रेड्यूस शेयर होल्डर्स वेल्थ, एंड विल रेड्यूस शेयर होल्डर्स वेल्थ, तीसरी बात है शेयर होल्डर का वेल्थ को ये घटा देगा। क्लियर? तो हम लोग इसको इसलिए नहीं देंगे, और इस तरह का हम लोग क्या करेंगे, एनपीवी जब भी रहो इस प्रोजेक्ट को हम लोग रिजेक्ट कर देंगे, प्रोजेक्ट को हमेशा रिजेक्ट कर देना है। तो हमें किसको प्रोजेक्ट को लेना होता है एनपीवी में, अगर एनपीवी में वैल्यू हमारा क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आता है, तो हमें इसको एक्सेप्ट करना होता है। क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे प्रोजेक्ट को, एक्सेप्टेड प्रोजेक्ट, ठीक है। अब एक पॉइंट और देखते हैं, बोलता है एनपीवी जहां म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ठीक है, तो एनपीवी को वहां पर रैंकिंग प्रोवाइड करना हो, जो सबसे ज्यादा एनपीवी लाएगा उसका प्रोजेक्ट लिया जाएगा। आप समझते हैं बात को, एक प्रोजेक्ट दूसरे प्रोजेक्ट के साथ कोरिलेट नहीं करता, उसको एक्सक्लूसिव बोलते हैं। मानो पेन बनाने वाली पांच कंपनी आई आपके पास, कितनी आई, पांच कंपनी, पांचों कंपनी का एनपीवी पॉजिटिव है, ठीक है, तो अच्छी बात है पॉजिटिव है, ठीक है, तो अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब थोड़ी है कि सारे का सारों को दे दोगे, पांच के पांचों को दे दोगे, नहीं, अब आप उसमें एनपीवी की क्या करोगे, रैंकिंग करोगे, क्या करोगे, रैंकिंग करोगे, जो हाईएस्ट एनपीवी होगा उसको आप क्या करोगे, एक्सेप्ट करोगे। सिंपल, इसी चीज को हम लोग लिख लेते हैं भाषा में, कि व्हेन प्रोजेक्ट्स आर, ये किसकी बात हो रही थी, सब मैंने बात बताई, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट की बात, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ठीक है, देखिए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की बात हुई थी, तो व्हेन प्रोजेक्ट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एनपीवी प्रोवाइड्स रैंकिंग, क्या करेगा, एनपीवी प्रोवाइड्स रैंकिंग, अंडरटेक द इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, अंडरटेक द इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी हैविंग हाईएस्ट एनपीवी इन पॉजिटिव, समझा बात, बोलता है जो प्रोजेक्ट जो होगा अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, क्या प्रोजेक्ट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो एनपीवी की हम लोग यहाँ पे रैंकिंग निकालते हैं और अंडरटेक करते हैं, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को देखते हैं कि कहाँ पे हाईएस्ट एनपीवी है, और एनपीवी इन द सेंस ऑफ हाईएस्ट एनपीवी इन टर्म्स ऑफ पॉजिटिव, ठीक है, तो एनपीवी जो प्रोजेक्ट पॉजिटिव है उसको तो आप एक्सेप्ट कर ही रहे हो। ये था म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट का, ठीक है। अब अगर हम बात कर रहे हैं ऐसा प्रोजेक्ट जो डिपेंडेंट है, एक प्रोजेक्ट के साथ दूसरा प्रोजेक्ट डिपेंड है, डिपेंड नहीं है, इंडिपेंडेंट है, सॉरी, इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट है, ठीक है, उस केस में सिर्फ एनपीवी प्रोजेक्ट पॉजिटिव ही कंसिडर की जाती है। तो फॉर इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट मतलब एक प्रोजेक्ट, जैसे कोई आदमी पेन बना रहा है, ठीक है, तो कोई कंपनी कार बना रहा है, अब इस पेन वाले का कार वाले के साथ कुछ रिलेशन है, नहीं रिलेशन होगा ना, पेन अलग चीज है, कार अलग चीज है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट है। इस तरह अगर सीधा केस होगा,
तो हमें क्या करना है, सिर्फ एनपीवी अगर पॉजिटिव है हमें नहीं ले लेना है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि अगर एनपीवी विच इज इक्वल टू पॉजिटिव, ठीक है, तो हम लोग इसको एक्सेप्ट करेंगे इस तरह के प्रोजेक्ट को, एक्सेप्टेड प्रोजेक्ट, ठीक है, आया समझ में। तो इस तरीके से आपका ये काम होता है, इस पॉइंट का लिख लीजिए। अब आइए IRR के ऊपर, इसका नाम क्या हो गया, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ये भी एक डिस्काउंट रेट होता है, इससे भी हम लोग इन्वेस्टमेंट को अप्रेजल करते हैं, देखते हैं कि सही जगह हम लोग कर रहे हैं कि नहीं। और यहां पे इसका काम क्या होता है, ये एक तरीके का डिस्काउंट रेट है, क्या बोलेंगे, इज द डिस्काउंट रेट, एक तरीके का डिस्काउंट रेट है जहां पे हम लोग एनपीवी को जीरो कर दिया जाता है। डिस्काउंट रेट डेट रेड्यूसेस एनपीवी टू जीरो, एक तरह का ये भी डिस्काउंट रेट है जो एनपीवी को जीरो पे ला देता है। और आईआरआर भी रेट ऑफ रिटर्न, क्या आप कमाएंगे, आईआरआर क्या बताता है, आईआरआर मेजर करता है, बताता है आप कितना रेट ऑफ रिटर्न अर्न करने वाले हैं जहां पे आप इन्वेस्टमेंट करते हैं या जहां पे आप जो कैपिटल को यूज करवा रहे हो, ठीक है। तो IRR मेजर्स, क्या मेजर करता है भाई, मेजर्स रेट ऑफ रिटर्न अर्नड ऑन कैपिटल That was used, ठीक है, used और capital that was invested लिख दीजिए और अच्छा हो गया। तो IRR आपको मेजर करता है क्या, रेट ऑफ रिटर्न, क्या आप अर्न कर रहे हैं वो बताएगा, जो कैपिटल आपने यूज किया या इन्वेस्टमेंट किया। यहाँ पे हमारे पास जेबी के दो तरह के कोर्सेज हैं, एक PPT यानी कंप्यूटर स्क्रीन रिकॉर्ड होता है, जो कंप्यूटर स्क्रीन होता है उसको रिकॉर्ड करके आपको वीडियो बना के दिया जाता है, और दूसरा होता है फेस टू फेस वीडियो कोर्स, जो अभी अपने वीडियो देखा है उसका नाम है फेस टू फेस वीडियो कोर्स, ये सबसे बेस्ट कोर्स है। और ये अगर आप ये कोर्स करते हो तो मान के चलिए कि आप फर्स्ट टाइम में ही पास करेंगे, सिंपल बोलूँगा फर्स्ट टाइम में आप पास कर जाएंगे। हर आदमी को एक ही चीज़ चाहिए कि भाई फर्स्ट टाइम में ही पास करें, बार बार एग्जाम कोई देने का इच्छा नहीं रखता है, ठीक है। तो ये सबसे बेस्ट कोर्स मैंने आपको पहले बोला, मैं यही बोलूँगा यही कोर्स आप करें, सबसे रिकमेंड करूँगा ये कोर्स करने के लिए, सबसे ज़्यादा सेलिंग पावरफुल और बेस्ट कोर्स तो खैर है, क्योंकि अगर पास करें फर्स्ट टाइम तो इससे बढ़िया क्या होगा। दोनों कोर्स में कंपेयर करें, दोनों जगह वीडियो लेक्चर कोर्स है, दोनों जगह केस स्टडी की वीडियो है, यहाँ पे 6000 सेंटर क्वेश्चन में के 13500 सेंटर क्वेश्चन में के, यहाँ पे 30 मॉक टेस्ट है और दोनों जगह रिविजन नोट्स है। वैलिडिटी की बात करें, वैलिडिटी जो है लाइफ लॉन्ग है, जब तक पेपर क्लियर नहीं होगा तब तक कोर्स कर सकते हैं। पेपर वन प्रिंसिपल्स करेंगे दाम 600 रुपये, यहाँ 1200 रुपये, पेपर टू करेंगे इसका दाम 800 रुपये, यहाँ पे 1500 रुपये, पेपर थ्री करेंगे इसका दाम है लीगल, इसका दाम है 600 रुपये, इसका दाम है 1200 रुपये, और कॉम्बो पे करेंगे यानी तीनों पेपर एक साथ मिला के करेंगे इसका दाम 1500 रुपये और यहाँ पे दाम है 3000 रुपये। ज्यादा जानकारी के लिए फोन कर सकते हैं, फोन नंबर हो जाएगा 4x9685127, दूसरा नंबर है 7827546946। वेबसाइट में जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, वेबसाइट हो जाएगा www.jbcibstudymaterial.com, ईमेल आईडी हो जाएगा seetsena3@gmail.com। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया, ठीक है, थैंक यू वेरी मच।